Hello everybody, this is me Noor here from Mentor Academy. This is our first lecture which is all about has to and have to. These are the basic terminologies used in English we are also using in our daily life. So has to and have to is all about use for the intention or compulsion. Like a thing you have to do. आपको करना ही करना है. ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे काम होते हैं जो लाइफ में आपको ना चाहते हुए भी करने होते हैं, या फिर इंटेंटफुली भी या फिर इंटेंशनली भी आप वो काम करना चाह रहे होते हैं लाइफ में. सो हैज़ टू या हैव टू उसके लिए यूज़ होता है. बहुत सारे टर्म्स आर मोस्टली यूज इन द इंटेंशनल वर्क दैट वी आर गोइंग टू डू. सो एफर्मेटिव में सबसे पहले सेंटेंसेस हम इस तरह से बनाएंगे कि उसमें सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे और हैज़ टू या हैव टू को शामिल करेंगे. दिस ये भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. एंड देन हैज़ टू के बाद हम वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. दिस इज द अंडरस्टूड फॉर्मूला. एंड देन लास्टली ऑफकोर्स द ऑब्जेक्ट. सो दीज आर द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल्स दैट आई हैव रोट ऑन द बोर्ड. यू कैन सी आई हैव टू बिल्ड माई फ्यूचर. फ्यूचर इज लाइक एज यंगस्टर एंड यू आर वॉचिंग मी दैट हम चाहते हैं कि हम कुछ लाइफ में बड़ा करें, मतलब कितनी भी मुश्किलें हों, कितनी भी हैसल्स आए जिंदगी में, बट वी वॉन्ट टू डू समथिंग वेरी प्रोफेशनल एंड समथिंग वेरी बिग. सो वी आस्क टू आर सेल्फ एंड वी आर टेलिंग टू आर सेल्फ दैट आई नीड टू डू दिस और आई हैव टू डू दिस मोस्टली, कि मुझे करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना ही करना है. तो इस सेंटेंस में यही लिखा हुआ है कि आई हैव टू बिल्ड माई फ्यूचर इन कोई भी कुछ भी हो जाए. And then she has to wake up at 7 a.m. Sometimes we are going to the walk and somebody else we want to lose our weight and then anything else we want to fit ourselves. So we hum apne aap se promise karte hain. We promise ourselves ke we need to or we have to work on it and we have to wake up at 7 a.m. And then the last example is we have to survive in every situation. Like कितनी भी बुरी हो या कितनी भी अच्छी सिचुएशन हो, हमें ना चाहते हुए उसको सर्वाइव उसमें करना पड़ता है. एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस, लाइक वी हैव टू डू दिस और वी हैज़ टू डू दिस. ऑलराइट क्लास, नाउ वी नीड टू डिस्कस आवर सेकेंड टर्मिनोलॉजी ऑफ मेकिंग द सेंटेंस हैज़ टू एंड हैज़ टू द नेगेटिव वन. तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें फार्मूला का याद होना बहुत लाजमी ज़रूरी है. सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हम डोंट या डज नॉट का यूज़ करेंगे एंड देन हैव टू. ऑलवेज रिमेंबर दैट वी नीड टू यूज हैव टू फॉर डोंट एंड डज नॉट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट की द ऑब्जेक्ट. द फर्स्ट एग्जांपल इज आई डोंट हैव टू बिल्ड माय करियर. मुझे अपना करियर नहीं बनाना है, मतलब कोई इंटेंट ही नहीं है इसमें. बिल्कुल इंटेंट जो है वो नेगेटिव हो गया, इनकारिया जुमला है, तो इसमें इंटेंट को हम रिमूव कर देंगे. हमारा हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, ना ही करने की. तो उसके लिए हमने इसको डोंट यूज़ कर दिया हैव टू के साथ, बिकॉज वी डोंट नीड इट. एंड देन शी डज नॉट हैव टू वेक अप एट 7 a.m. व्हाई वी आर यूजिंग डज नॉट विद शी, यू ऑल नो, बिकॉज हमने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में इस बारे में डिस्कशन की है कि शी के साथ डज नॉट यूज़ होता है. सिंगुलर नाम के साथ हमेशा डज नॉट का आई एस का इजाफा हो जाता है. तो दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग शी डज नॉट हैव टू वेक अप एट 7 a.m. बिकॉज दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस. एंड लास्ट एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इज वी डोंट हैव टू सर्वाइव इन एवरी सिचुएशन. हमारे लिए कोई कंपल्सरी नहीं है कि हम हर सिचुएशन में सर्वाइव कर सकें. और अगर हमने जो एफर्मेटिव बनाया था तो उसमें हमारे लिए ज़रूरी था, क्योंकि वो स्टेटमेंट जुमला था बिल्कुल सिंपल, वी हैव टू डू दिस, हमें करना ही करना था, बट ये इनकारिया है तो इसमें हम इनकार कर रहे हैं. नाउ द लास्ट टर्मिनोलॉजी इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. हाउ वी आर गोना मेक द इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ हैज टू एंड हैव टू. सो नाउ लुक एट द बोर्ड दैट इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमेशा हमें पता होना चाहिए कि ये सवालिया जुमला होता है जिसमें हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं. ठीक है, हम सवाल कर रहे होते हैं खुद से भी, सामने वाले जिससे हम बात कर रहे होते हैं, अपने कम्युनिकेटर से, जिससे भी लिसनर से हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. तो उससे हम क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या ये हो सकता है. सो बेसिकली दीज आर द टर्म्स दैट वी मोस्टली यूज. सो इंटरोगेटिव का फॉर्मूला सबसे पहले हमें याद करना होगा. सो उसके लिए डू डज ऑफ कोर्स यूज होगा, बिकॉज ये हम क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले क्या यूज होगा, डू डज एंड देन सब्जेक्ट एंड हैव टू एंड फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्जेक्ट. तो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज डू आई हैव टू बिल्ड माई फ्यूचर.
फ्यूचर बनाना चाहिए. ये क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया क्योंकि ये क्वेश्चन है, राइट. एंड देन द सेकंड वन इज डज शी हैव टू वेक अप एट 7 AM. क्या उसे उठना चाहिए सुबह 7 बजे. एंड डज वी आर यूजिंग फॉर शी, राइट. एंड देन डू वी हैव टू सर्वाइव इन एवरी सिचुएशन. क्या हमें हर सिचुएशन में सर्वाइव करना चाहिए या सर्वाइव करना है. लाइक बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दीज आर द टर्मिनोलॉजीज विच इज बेसिकली यूज फॉर द कंपल्सरी एंड इंटेंटफुली कॉन्सेप्ट्स. क्या करना ही करना है या नहीं करना है तो नहीं करना है, राइट. सो दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स एंड बेसिक टर्मिनोलॉजीज वी आर गोना मेक विच हेल्प अस टू मेक आर इंग्लिश लैंग्वेज बेटर. थैंक यू.